हरियाणा लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए, ऐसा कहा है अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा चुनाव से पहले सीएए अधिसूचना जारी होगी। सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, यह अमित शाह ने कहा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएए लागू होगी, अमित शाह का यह बड़ा बयान सीएए को लेकर गृहमंत्री की तरफ से। लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा सीएए, अमित शाह ने कहा है। चुनाव से पहले सीएए अधिसूचना जारी होगी। सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तो सीएए को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी की भी नागरिकता छीनने वाला कानून ये नहीं है। चुनाव से पहले इस पर कार्य किया जाएगा। तो सीएए पर गृहमंत्री अमित शाह का ये बहुत बड़ा बयान, और इस बयान के अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। सीएए को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है, और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने एक वर्ग विशेष को डराने के भी आरोप लगाए हैं। सभा चुनाव के मद्देनजर सीएए पर फिर सरकार चिंतित हुई है। हमारा कहना है कि सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस मुद्दे का ध्रुवीकरण कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। बार बार वर्ग विशेष के लोगों को डराया क्यों जा रहा है सीएए के नाम पर, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी दे। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।